तो जब आज तो बर्फ पड़ती नहीं, मगर जब पहले पड़ती थी तब हम भी जवान थे, हम भी शुगल करते थे। आज मुकाबला है जमानों के साथ, जमान खतरनाक खतरनाक बंदे, कैसे बंदे होते हैं, बहुत खतरनाक। तीन साल चार साल दिल्ली में जॉब भी की, बट मन नहीं लगा वहाँ, नहीं लगा। चल निकल गए, चल आगे निकालो। हमें तो मजा यही आता है। अच्छा, वहाँ कोई वहाँ नहीं आता पढ़ना नहीं है क्यों? भैंस के साथ जाना है, सिर्फ बीड़ी पीता सिगरेट पीता। मैं साथ साथ में लोकसभा भी करता हूँ, तो अपने अपना गुजारा भी वहीं से। नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं YouTube चैनल भद्रकाशी दर्शन और Facebook पेज। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ पदरी धार में। पदरी तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, मगर जहाँ तक हम पहुँचेंगे, जहाँ तक गाड़ी जाएगी, वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा। और रास्ते में हमें कौन कौन लोग मिलेंगे, कितना हम आनंद करेंगे, कितना इन्जॉय करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ का नाम है, यहाँ की भाषा में कहते हैं काछी। हवा भी चल रही है, शायद हवा की भी आपको आवाज़ हो रही आ रही होगी, लेकिन ये जो एरिया पड़ता है ये सिर्फ तेंगल और नाल्टी के बीच में पड़ता है। पीछे आप देख रहे हैं जेके टूरिज्म का वेलकम का जो बोर्ड है वो लगा हुआ है, पदरी चंबा, नीचे उर्दू में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। पदरी तो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बर्फ ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है, लेकिन आधे रास्ते तक शायद थनाला जो विलेज है गाँव तक, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मेरे साथ हैं अक्षय भैया, मेरे बड़े भाई साहब हैं, और हम जा रहे हैं पदरी में, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक। हवा भी चल रही है, आपको हवा की भी जो है वो आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जो मेरे ये भैया हैं इनके साथ मेरी मित्री है, जैसे कृष्ण सुदामा थे वैसे ही है। तो भैया वैसे मैं लंबा हूँ आपसे, है ना? मैं भी शायद वो लगे थोड़ा बहुत गाय काफ़ी भर गया दिख ही रहा है। तो चलिए आगे जो वीडियो है। अभी जो है साथ में ही जो मोड़ है जहाँ से रास्ता जाता है एक गुरडंडा के लिए और एक पदरी के लिए जो रास्ता जाता है वहां पे हूँ मैं। यहाँ पे जो है एक शॉप है श्री किशोर कुमार जी की, बड़े अच्छे जो हैं, बड़े अच्छे समोसे जो हैं ये बनाते हैं यहाँ पे। आप जब भी विजिट करें, पदरी जाएं, गुरडंडा जाएं, यहाँ पे आके समोसे और चाय का आनंद लीजिए। आप याद कीजिएगा कि आपने भद्रवाह में जाके कहाँ पे चाय और समोसे खाए थे, पूरी लाइफ जो है आप भूलेंगे नहीं। ये देखिए यहाँ पे नाना जी मेरे बैठे हुए, नाना जी लगते हैं हमारे जैसे दिखते हुए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि आज मुकाबला है जमानों के साथ, जमान खतरनाक है। खतरनाक बंदे, कैसे बंदे होते हैं? बहुत खतरनाक। तो आप मुझे बताएं, आपके पास इतने दूर दूर से लोग आते हैं, तो कैसी उनके साथ आपकी गपशप रहती है? क्या मेरी गपशप सब लोगों के साथ ठीक ठाक रहती है? एक तो मेरी दुकान है चाय की, तो मैं साथ साथ में लोकसभा भी करता हूँ, तो अपने अपना गुजारा भी वहीं से कर लेता हूँ। और देसी दूध की चाय, अच्छा, तो हर आइटम मेरे पास देसी मिलेगी, देसी बिल्कुल प्योर प्योर। अच्छा, तो बाकी ये पोडो वाली दूध की चाय ये तो मैं बिल्कुल पीता भी नहीं, पिलाता भी नहीं किसी को। अच्छा, तो बाकी बस ये। तभी आपकी इतनी सेहत है, अभी कितनी एज है आपकी? अभी होगी 60 हो गई। अब 60 मगर लगता नहीं है, 60 है आपकी, 60 से ऊपर चल रही है अभी। अच्छा, बस फिर हमारा यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, मौसम भी ऐसा ही रहता है। तो इस साल तो बर्फ बहुत कम गिरी, ये तो बहुत ज्यादा भी गिरती है, कभी 4 मीटर भी गिरती है, कभी 3 भी गिरती है। तो लोग आते जाते रहते हैं, रोड जल्दी खुल जाता है तो लोग आते रहते हैं। तो बस दुकान पर चाहिए, दुकान पे बैठे हुए भद्रवाह के कुछ लोग आए, थोड़ी सी गपशप इनके साथ भी मारते हैं कि इस बार कैसा मौसम रहा, कैसे इन्होंने आनंद किया, बर्फ पड़ी नहीं पड़ी, आइए कुछ बातें करते हैं इनके साथ। आइए जी, आइए। नमस्कार जी। फर्स्ट क्लास मौसम रहा जी, साहब फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। अच्छा, ज्यादा बर्फ भी नहीं हुई। अच्छा, बर्फ भी है लेकिन कम पड़ी, कम पड़ी। आप क्या चाहते हो, काफी बर्फ पड़नी चाहिए? और नहीं जी, क्या करना अब उसको, आपने
तो जब आज तो बर्फ पड़ती नहीं, मगर जब पहले पड़ती थी तब हम भी जवान थे, हम भी शुगल करते थे। अच्छा, चलना नहीं बनता। अच्छा, ठीक। तो आप कहाँ पे रहते हो? बस ये ऊपर घर। अच्छा, इधर ही काछी में रहते हो? तो यहाँ पे धूप सेकना है? हाँ, तो गप शप लगाना? हाँ, गप शप भी, धूप भी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो और बाकी सब ठीक ठाक है? घर पास क्लास। तो बाहर भी आप बाहर भी घूमे होंगे, जम्मू शम्मू दिल्ली शिल्ली गए होंगे, हरिद्वार? हरिद्वार तक गया हूँ मैं। बाकी मजा यहाँ पे आता है या भद्रवाह में मजा आता है, या आप चाहते हो वहाँ? हमें तो मजा यही आता है। अच्छा, वहाँ कोई वहाँ नहीं आता? अच्छा, यही चाहते हैं कि यही हो। अरे वाह। तो आपका शुभ नाम क्या है? अमर सिंह। अभी आपने बात की श्री अमर सिंह जी के साथ, चलिए अब आगे पदरी वाली तरफ चलते हैं, समय बड़ा ज्यादा हो रहा है, 3 बज चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे कोई और मिल जाएगा, उनके साथ भी गप्पे शप्पे लगाएंगे। नमस्कार। आज आया हूँ मैं अक्षय भैया की गाड़ी में, क्योंकि अक्षय भैया बोलते हैं कि मेरी गाड़ी में चलते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी में जो है डीजल वाली गाड़ी है, तो पेट्रोल जो है वो कम, डीजल कम लगेगा, इसलिए बोलते हैं कि चलो जी, बड़े भाई हैं ना, तो भाई के बारे में सोचते हैं। ये देखिए अक्षय भैया जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। तो देखिए आप भैया, आप अभी दिल्ली गए थे पिछले दिनों, तो कैसा रहा दिल्ली का टूर आपका? बढ़िया रहा। अभी क्या मतलब कि फिर यहाँ क्यों आए? वहीं रहना था ना, इधर पीछे क्यों जा रहे? भद्रवाह है। वहाँ जितना रह लो, भद्रवाह है। भद्रवाह यहाँ से मन नहीं भरता, बस कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। 30 साल उम्र हो गई लेकिन नहीं। 23 साल 23 साल मुझे ऐसे तो लगते हो आप 23 साल के हो। अच्छा, 3-4 साल दिल्ली में जॉब भी की, बट मन नहीं लगा वहाँ पे। नहीं लगा? यही मतलब कि खींच के आप वो देखो ना वादियां अपने पार में। बैक कैमरा करके दिखा दो, ये देखिए, ये है हमारा भद्रवाह। हाँ, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया है सामना, जो ये आपको ये गांव दिख रहा है, इसको बोलते हैं बुटला। और जो इस तरफ वाले गांव हैं, इसमें से पीछे भिज्जा है, कटियाड़ा है, और ये जो नीचे जो रोड के साथ साथ में आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये इसको यहाँ पे कहते हैं, सिरतेंगल में ही पड़ता है ये, चब्बी वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं। कौन चाहे रेस जगह को छोड़ के बाहर? बिल्कुल, ये देखिए जी, चल निकल गए, चल आगे निकालो, चल चल अब लीड पार्टी। वहाँ ली क्यों थी तुमने स्कूटी? वीडियो बना रहे थे हम भी। अच्छा, अरे कहाँ रहते हो तुम? यहीं भद्रवाह। अच्छा, बाइक देखिए लड़कों ने कहाँ पहुंचाई है। नौजवान लड़के है ना, तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, और पीछे देखिए कितना सुंदर जो है वो व्यू आपको पीछे जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी हम आ पहुंचे मुशदेव नाला, जो है यहाँ का नाम है। ये देखिए आप, यहाँ पीछे पानी जो है ये पीछे से आता है, इसका जो जहाँ से ये पानी आता है कैलाश कुंड से, ये जो है वो पानी आता है मुशदेव नाला, जो यहाँ का नाम है। भगवान, मैं इसके ऊपर भी एक स्टोरी करूँगा, भगवान वासुकी नाग जी की जो मूर्तियाँ थी और गुप्त गंगा की जो जलारी है वो है, वो इसी जो दरिया है ये यहीं पर बनी है, जिसकी वासुकी नाग जी की मूर्तियाँ और गुप्त गंगा मंदिर की जो जलारी वो बनी है। मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी था। तो मुशदेव नाले में मैं अभी
पहुंचे हो आप, देख रहे हैं यहाँ पे बर्फ जो है वो कितनी कितनी है। तो बर्फ जो है आज भी यहाँ पे एक एक फीट बर्फ जो है आज भी है, लेकिन जब बर्फ पड़ी होगी तो तीन फीट तो होगी, क्योंकि बर्फ को पड़े हुए आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं और बर्फ जो है गली भी है, कम भी हुई है। तो आज भी यहाँ पे जो है बर्फ एक एक फीट है। आपको आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे जो है, मेरा मन तो कर रहा है कि यहीं पे जाके वो उधर उन पेड़ों के नीचे बैठूं, लेकिन ठंड भी है इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। क्योंकि अक्षत धक्का मार के चलती नहीं है। नहीं यहाँ पे कहाँ मुश्किल है। गिर भी है थोड़ा सा यहाँ पे, दिखला शायद। और इस भाई का जो है ये YouTube चैनल है, इसको भी आप देखिएगा। अच्छा तुम भी यूट्यूबर हो, मैंने बाइक से देख के मुझे पता चला। वेरी गुड। उठा के लाओ उठा के। आप देख रहे हैं लड़के जो है वो बाइक को किस प्रकार से यहाँ से निकाल रहे हैं, कहीं मेरे ऊपर ही ना गिरा दें, भागना पड़ेगा। चला चल चल आजा आजा। मैच जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ के बच्चे जो है रोड में मैच जो लगा हुआ है वो क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। सामने जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, जो माउंटेन दिखाई दे रहा है, यह आशापति ग्लेशियर, हमारी स्थानीय भाषा में सुनबाई भी इसको कहते हैं। आप देख रहे हैं जो सामने की जो पहाड़ी है आशापति, यहाँ पे जो है भगवान वासुकी नाग जी की यात्रा भी जो है वो जाती है। भद्रवाह का मैं कहूँ तो भद्रवाह का मुकुट है ये, जब आप भद्रवाह में एंटर होते हैं तो सामने जो है यही पहाड़ी आपको जो है वो दिखाई देती है। नाम है जो आगे पुल आ रहा है यहाँ पे कहते हैं पंथला, और यहीं से जो यात्रा है वो इधर से ऊपर जो है वो चढ़ती है। आप
देख रहे हैं यहाँ बर्फ जो है अभी भी यहाँ पे कम से कम कोई 3-3 फीट जो है वो बर्फ है, और जब ये बर्फ पड़ी होगी तब कम से कम 5 से लेके 6 फीट तक की बर्फ जो है यहाँ पड़ी होगी। और भद्रवाह टाउन से कोई ज्यादा दूर ये नहीं है, भद्रवाह टाउन से लगभग हम आए होंगे कोई 5 किलोमीटर पीछे, 5 से लेके 6 किलोमीटर। और ये यहाँ पे है चेक पोस्ट, जो कि यहाँ पे आने जाने वाले यात्रियों का नंबर जो है वो ट्रेस करती है। आज पता नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि आज बाहर के लोग तो यहाँ आते नहीं है, क्योंकि चंबा ये तभी यहाँ पे नंबर वगैरह ट्रेस करते हैं जब चंबा का रोड जो है खुला होता है, क्योंकि यही एकमात्र जो रास्ता है जो भद्रवाह को चंबा के साथ कनेक्ट करता है। आप देख रहे हैं कि बर्फ जो है गाड़ी से जो ऊंची ऊंची जो है यहाँ पे बर्फ है। थनाला विलेज के जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड में जो वो कबड्डी खेल रहे हैं, ये देखिए। क्या कर रहे हो, क्या क्या खेल रहे हो? कबड्डी। कबड्डी खेल रहे हो? रोज खेलते हो? अभी आए कहाँ रहते हो आप? तो बोलो योड़ी यार बोया तो इतने कहता है दारू है बोलो पढ़ते हो आप? स्कूल जाते हो? मैं ये नहीं जाते सकते। ये नहीं जाते सकते? स्कूल नहीं जाते? क्यों? पढ़ना नहीं है तो भैंस के साथ? क्यों? भैंस के साथ जाना है? सिर्फ बीड़ी पीता सिगरेट पीता आज के क्या था? नहीं यार बेकार है, देख कहां पीता, छोटा बच्चा ये थोड़ी कर पीता। पढ़ो पढ़ो। क्या नाम है तुम्हारा? साकिब। हैं? साकिब। साकिब, अच्छा इधर थनाला में रहते हो? बेज्जा के लोगों के ऐसा है जान पहचान? किसको जानते हो उधर? देखने सुंदर बच्चे हैं, कबड्डी यहाँ पे जो है वो खेल रहे हैं, तो थोड़ी सी गप जो है इनके साथ लगा दिया ना। तो चुती छुआ गसन स्कूल की ना गसन छुआ जो उस क्लास में पढ़ा 10th में? क्या बात है, देखो अच्छा कहाँ पे पढ़ता है? गांव में। गांव में 10th तक के स्कूल? अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ देखिए वो देखिए लड़के जो है वहां पे एंजॉय। अभी आप देख रहे हैं सूरज जो है वो ढल रहा है, और कितना सुंदर जो यहां से आप देख रहे हैं जो सूरज की जो किरणें हैं जो रेजेस हैं वो कितने अच्छे से वो आपको स्पष्ट इस वीडियो में जो है वो दिखाई दे रही है। अभी हमें थनाला के गाँव में, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस आगे, और भी अभी आगे भी रोड खुली है लेकिन किसी कारणवश हमें कुछ काम पड़ा और हम जा रहे हैं अब वापस। और ये जो वीडियो है ये फिर किसी दिन बाहर के टाइम में, बाहर समझने आप मेरी बात की मैं बाहर का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, बाहर यानी कि जब हरी भरी यहाँ की पहाड़ियाँ होती हैं, हमारी भाषा में कहते हैं कि बारे जियाज, तो उस बाहर में किसी दिन आके आपको पदरी का पूरा जो है नज़ारा, पूरा पदरी के जितने पदरी धार की हमारी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी वहाँ पे हिल्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।